आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए दिवाली से स्पेशल नमक पारे की रेसिपी। आज मैं तीन तरह के नमक पारे की रेसिपी शेयर करूँगी आपके साथ। कोई भी मेहनत ज़्यादा नहीं है इसमें, ना ज़्यादा झंझट है। हम इसे एक ही डो से तीन तरह के नमक पारे बनाकर तैयार करेंगे। बहुत ही खाने में टेस्टी लगते हैं और बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ सरोज, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सरोज का किचन में। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 2 कप मैदा। मैंने पहले ही मैदे को छान के रख लिया था। यहाँ पर मैंने 100 ग्राम के आसपास घी लिया है। 2 छोटे चम्मच मैंने नमक लिया है। थोड़ा सा अजवाइन लिया है। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं। यहीं पर हम नमक डाल देंगे और अजवाइन को हम थोड़ा सा क्रस करके डालेंगे अपने हाथों के बीच, ताकि इसका जो फ्लेवर है मैदे में अच्छे से आ जाए। अब थोड़ा थोड़ा हम घी डालकर इसे अच्छे से मिलाएंगे। अभी आप यहाँ पर बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल ना करें, पहले घी डाल के ही अच्छे से हम मिला लेंगे। जो बचा हुआ घी है उसको भी हम डाल देंगे। मैंने घी को पहले ही गर्म कर लिया था। आप चाहें तो यहाँ पर रिफाइंड ऑयल भी यूज कर सकते हैं, आपके ऊपर है। यहाँ पर तेल को घी को अच्छे से मैदे के साथ मिला दिया है। अब थोड़ा सा हम मैदा उठाएंगे, एक गोला लड्डू जैसे बनाएंगे। जैसे आप देख रहे हैं आसानी से बन जा रहा है, मतलब हमारा मैदा तैयार हो चुका है। हमें इसे इतना ही मिलाना था। अब यही हम डालेंगे थोड़ा थोड़ा पानी। पानी डालकर इसमें हम नरम डो बनाएंगे। एक आटे की तरह हम डो बनाएंगे, जो घर में हम नॉर्मल रोटी के लिए बनाते हैं उसे थोड़ा सा टाइट डो बनाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने अच्छे से मसलते हुए एक डो बना लिया है। अभी आपको टाइट लग रहा होगा, थोड़ा मैंने टाइट डो बनाया है। 1 कप मैंने पानी यूज किया था, उसमें 2 चम्मच के आसपास पानी बच चुका है। मैंने 2 कप मैदा लिया था, आप एक माप बना लें। रखेंगे 10 मिनट के रेस्ट पे। और 10 मिनट हो चुका है, अब इसको हम एक बार और अच्छे से मिला लेंगे। अच्छे से मिलाने के बाद हम इसको लेंगे चकले पे, जिसमें हमें बेलने में आसानी हो। अब इसे हम लंबाई सेप देंगे हाथों से घुमाते हुए, ताकि अच्छे से इसमें जो हमारे एक पेड़े काटेंगे जो हमें बेलने में आसानी हो। इसको हम लंबाई सेप देते हुए रोल करेंगे। अब देख रहे हैं मैंने इसको लंबाई से दे दिया। अब इसको पेड़े के जैसे काटेंगे। मैंने 6-7 पेड़े बनाए हैं, तो अपने हिसाब से बड़ा छोटा कर सकते हैं। इसको हम काट लेंगे। अब जो एक्स्ट्रा पेड़ा है निकाल कर साइड में रख लेंगे और एक पेड़ा रखेंगे। इसको घुमाते हुए गोल करेंगे। देखिए मैंने गोल कर लिया है। अब बेलन की मदद से इसको हम बेल लेंगे। इसे हल्के हाथ से बेले और चारों तरफ से बेले, बस बीच से ना बेले, वरना बीच में पतला हो जाएगा और साइड साइड मोटा हो जाएगा। तो साइड साइड से बेलन घुमाकर बेले। इसमें कोई घी लगा कर बेलने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं चिपकते हैं, ना सूखा मैदा लगाने की जरूरत है। यहाँ पर मैंने रोटी से थोड़ा सा मोटा रखा है, जैसे कि आप देख रहे हैं। इसे ज़्यादा मोटा नहीं, ज़्यादा पतला नहीं करना है। इसको चाकू की मदद से हम काट लेंगे। आप अपने हिसाब से काट सकते हैं, आपको जैसे डिजाइन पसंद है। मैं सिंपल सा डिजाइन बस काट रही हूँ। यहाँ पर मैंने काट लिया है, जैसे आप देख रहे हैं। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अपने नमक पारे को प्लेट में रख लेंगे। यहाँ पर हमारा तैयार है। अब चलते हैं गैस की तरफ। मैंने गैस कढ़ाई रख दिया था पहले ही गर्म होने के लिए। तेल को मैंने एकदम लो फ्लेम पे गर्म किया था, ज़्यादा हाई फ्लेम पे गर्म ना करें। और इसमें हम अपने सारे नमक वाले डाल देंगे। एक बार में जितना आ सके आप डाल सकते हैं, आपकी कढ़ाई में जितना स्पेस है। पर ध्यान रहे तेल आपका ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, वरना क्या होगा
नमक पारे कलर जो है जल्दी चेंज हो जाएगा और क्रिस्पी नहीं बनेंगे। यह मैंने पहले ही गैस रख के कढ़ाई रख दिया था और तेल अच्छे से गर्म हो चुका था लो फ्लेम पे। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा जो नमक पारे है ऊपर फूल के आ चुका है, आपको दिख ही रहे होंगे। अब इसे थोड़ा सा और फ्राई करेंगे, कलर चेंज करेंगे। अभी पूरी तरह से कलर चेंज नहीं हुआ है, यहाँ पे हम मैंने फ्राई कर लिया। अब निकाल लेते हैं। मैंने शक्कर पारे की भी रेसिपी अपने चैनल पे दी हुई है, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं, वो भी बहुत इजी रेसिपी है। तैयार है मेरा नमक पारे, अब चलते हैं। दूसरा बना लेंगे, साइड में रख लेंगे। बहुत ही क्रिस्पी लगते हैं, बनते हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी। फिर एक उसमें का पेड़ा लेंगे और बेलन की मदद से इसे हम बेलेंगे। इसे ज़्यादा मोटा नहीं, ज़्यादा पतला भी नहीं करेंगे। जो पहले वाली हम रोटी बेले थे उसे थोड़ा सा मोटा रहेगा, जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने इसे बेल लिया है अच्छे से। इसको हम चाकू की मदद से काट लेंगे। इसे ज़्यादा बड़ा बड़ा ना काटें, पतले पतले ही काटेंगे क्योंकि हमें लंबे वाले में बना रही हूँ नमक पारे। जो ये साइड का है हम हटा लेंगे क्योंकि छोटा है। अब जो ये बीच का बड़ा है उसको हम बीच से काट देंगे। यहाँ पे काट लिया है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप चाय के साथ भी खा सकते हैं, इसे भी खा सकते हैं। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करना। अब चलते हैं गैस की तरफ। तेल तो हमारा पहले से ही गर्म है, उसमें हम डाल देंगे अपना ये नमक पारे। इसे लो फ्लेम पे फ्राई करना है, बिल्कुल भी आप हाई फ्लेम पे फ्राई ना करें। अपने हम सारे नमक पारे इसमें डाल देंगे जितना एक बार में आ सके। अब हल्के हाथ से इसको हम चलाएंगे, तो फ्राई होने देंगे 3 से 4 मिनट तक। जैसे कि आप देख रहे हैं पहले से थोड़ा कलर चेंज हो चुका है, थोड़ा सा और हम इसे फ्राई करेंगे ताकि एकदम गोल्डन कलर पैलेस कलर आ जाए इस पर। तो यहाँ पे हमारा जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छा कलर आया है। अब इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। अब निकाल के इसको साइड में रख देंगे। तो तैयार है हमारा यहाँ पे दूसरा वाला भी नमक पारे, जैसे कि आप देख रहे हैं दिखने में कितना अच्छा लग रहा है। अब चलते हैं अपना तीसरा नमक पारे बना लेते हैं। एक और पेड़ा लेंगे और फिर से इसको हम बेलन की मदद से बेलेंगे। ध्यान रहे ये और भी मोटा रहेगा, जो मैंने पिछली जो रोटी बेली उसे थोड़ा और मोटा रहेगा क्योंकि इसको हम काजू का शेप देंगे। आप इसे काजू नमक पारे भी बोल सकते हैं। यहाँ मैंने एक ढक्कन पहले से धो करके रख लिया था साफ करके। अब ढक्कन की मदद से हम काटेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं मैं किस तरह से काट रही हूँ। इस रोटी को आप ज़्यादा पतला ना करें, थोड़ा मोटा ही रखें। ऐसे ही सारे हम नमक पारे को काट लेंगे। इसे आप देख रहे हैं काजू का कितना अच्छा शेप आया है, बिल्कुल काजू जैसे दिख रहे हैं, इसीलिए हम इसको काजू नमक पारे बोलते हैं। तेल भी हमारा पहले से ही गर्म है, इसमें हम डाल देंगे अपने काजू नमक पारे को और फ्राई करेंगे। इसे मैंने पहले फ्राई किया लो फ्लेम पे, इसको भी वैसे ही फ्राई करना है। इनको थोड़ा सा हल्के हाथ से चला देंगे, इसे चलाते हुए फ्राई करें ताकि चारों तरफ से अच्छा कलर आ जाए। इसे छोड़े ना, बीच बीच में चाहिए चलाते ही रहे इसको। ये अभी यहाँ पे अच्छा कलर नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा अभी वाइट है, इसे हम ये और फ्राई करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं पहले से कलर चेंज हो चुका है, बिल्कुल काजू जैसे दिख रहे हैं, आप देख ही रहे होंगे। अब इसको हम निकाल लेंगे एक प्लेट में।
हमारे यहाँ पे तीसरा नमक पारे भी तैयार हो चुका है। अब चलते हैं, एक नमक पारे में चटपटा वाला बनाऊंगी, तीखा वाला। यह मैंने लिया है आधी चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच चाट मसाला, आप चाहें तो आमचूर का पाउडर ले सकते हैं, आधी छोटी चम्मच नमक। और सारे मसाले को अच्छे से मिला लेंगे। मैंने घर का एकदम नॉर्मल मसाला यूज किया है जो सबके घर पे होता है। अब अपने काजू नमक पारे में इसको हम डाल देंगे। अगर ये जो गर्म है अब तभी डालेंगे तो मसाले जो है अच्छे से चिपक जाएंगे। हमारा जो काजू है अभी थोड़ा ठंडा हो चुका है काजू नमक पारे, तो ध्यान रहे अगर आप इसे गर्म में ही मसाला मिलाएंगे तो जो मसाला है अच्छे से चिपक जाते हैं नमक पारे के ऊपर, बिल्कुल भी निकलते नहीं हैं। जब मैंने अच्छे से मिला लिया है तो तैयार है हमारा यहाँ पे काजू नमक पारे चटपटा तीखा वाला, बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसके चाय के साथ ऐसे भी खा सकते हैं, सबके साथ बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब भी मेरा नया वीडियो आए सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो दोस्तों, मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों।